लाली को चाय बड़ी पसंद है, इसलिए तो लाली अक्सर आपको पप्पू के ढाबे पे ही मिलती है। अगर आप लाली और पप्पू की लव स्टोरी देखना चाहते हैं ना, तो पप्पू लश्कारा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, टॉक शो सेंट्रल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चुस्की ऐसे तो नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे, और हर किसी के हाथ में एक चाय की प्याली होगी। और सुबह सुबह हाँ, इस बात पे खुशी हुई ना, जब बैठ के ऑर्डर दे रहे थे सुबह, कहते हैं आप जो हैं वो चाय के ठेले पे तो खड़ी हैं, तो चार चाय यहाँ पर भी मिल जाए। देखो बिल्कुल, आपको पूरी जो है ना पतीली समेत चाय भेजती हूँ मैं। इसमें चाय ना हो तो सुबह नहीं होती, चाय ना हो तो किसी से बात करने का दिल नहीं करता, चाय ना हो तो दिमाग नहीं जागता, चाय ना हो तो कुछ भी नहीं होता, दिन की शुरुआत ही नहीं होती। और चाय आपको चाहे सुबह सुबह मिल जाए, चाहे आपको चाय जो है 10 बजे मिले, या चाहे आपको 1 बजे मिले, जिस वक्त आपको चाय मिलती है सुबह, तो उसी वक्त होती है। ऐसा ही है। अब चाय क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक इतना अहम हिस्सा बन चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना हम चाय पर ही एक शो करें। है ऐसा कि नहीं? चाय पे शो होना चाहिए कि नहीं? मुझे लगता है सब कह रहे होंगे बिल्कुल होना चाहिए। तो आज का हमारा जो शो है वो एक्सक्लूसिव टी शो है, चाय शो है, और इसमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जो कि चाय से रिलेटेड हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ़ ला रही हैं, और कुछ गाने हैं जो हम लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं जिसमें चाय का बड़ा जिक्र है, वो भी आज हम यहाँ पर गाएंगे। अब बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है रस्म होती है हमारे पाकिस्तानियों की, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे ये कल्चर सेम है, वहाँ पर ये एक रस्म जो है वो होती है कि जब भी रिश्ता आता है तो लड़की चाय लेकर आती है। लेकिन आज हमने उसमें एक ट्विस्ट डाला है, क्योंकि ज़माना मॉडर्न हो गया है और हम आगे आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कौन सबसे बेहतरीन ट्रॉली प्रेजेंट करता है। लेकिन सिर्फ लड़कियां नहीं, अगर ये काम लड़कों को भी करने को कहा जाए तो क्या उन्हें पता होगा ट्रॉली पे क्या रखना है, कैसे लेकर आना है, क्या है? तो आज ज़रा हम लोग जो है ना रिश्ता चाय की भी बात करेंगे, फिर कितनी वैरायटीज़ ऑफ चाय है, किस किस तरह चाय सर्व हो सकती है, इन सब चीज़ों पर जो है बात होगी। तो बड़े मज़े का शो होने वाला है, वी हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन स्टोर फॉर यू, तो कहीं नहीं जाना आपने। गेस्ट में आज के अनाउंस कर दूँ, हमारे साथ होंगे द फेमस चाय वाला, ऐसे कैसे हो सकता है कि चाय का शो हो और चाय वाले हमारे साथ ना हो। अरशद खान होंगे हमारे साथ, जो कि अब सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन चुके हैं, बड़ी उनकी वीडियो शीडियोज आ गई हैं, बड़ी मॉडलिंग की है उन्होंने, बड़े एड्स में भी आ चुके हैं, पावर ऑफ सोशल मीडिया आई टेल यू। हमारे साथ होंगे तैमूर अहमद, ही इज़ एन वेरी ब्रिलियंट एक्टर। हमारे साथ होंगी किरण, अगेन अ वेरी फेमस एक्टर विद अस। ज़ीशान ज़ैनी जो कि सिंगर हैं, जो कि आज की महकती मॉर्निंग को जो है ज़रा म्यूज़िकल बनाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि शान खान होंगे हमारे साथ, ये भी बहुत फेमस सिंगर हैं, जो कि आज अगेन चाय के भी कुछ गाने और वैसे भी कुछ गाने। अनम अशरफ होंगे हमारे साथ, अगेन एक बहुत प्यारी सी सिंगर। आयशा एजाज एंड हिरा देर ब्लॉगर्स एंड फोटोग्राफर्स जो कि हमारे साथ होंगी। आज हमारा बड़ा हल्ला गुला वाला जो है वो शो होने वाला है। और हमारे साथ होंगी शेफ हिना, जो कि आज बना रही हैं गोल गप्पे। तो कुछ हम लोग जो है ना तहजीब की भी बात करेंगे बीच में, कि चाय तो सर्व होगी, लेकिन अगर आपके घर मेहमान आते हैं, आपकी सास आती हैं, आपकी पोटेंशियल जिनसे शादी हो सकती है रिश्ते वाले आते हैं, और आप उनको चाय में गोल गप्पे सर्व कर दें तो वो कैसे खाएंगे? उन्होंने भी तो अपनी इज्जत रखनी है ना। तो ये भी ज़रा हम लोग आज देखेंगे, लेकिन हम आपको आज गोल गप्पे बनाना भी सिखाएंगे। और हमारे साथ होंगी महरीन नरगिस, हमारी कंसल्टेंट डाइटिशियन, कि हम इतने हल्ले गुल्ले में जब इतना कुछ खा पी रहे हैं, ना कुछ सर्व कर रहे हैं, तो ज़रा सेहत का ख्याल भी साथ साथ रखा जाए। इस पर बात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आर टी शो, हमारा चाय वाला शो। और आज बल्कि मुझे लगता है कि अब तो वो इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि मुझे चाय वाला कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनकी जो आइडेंटिटी थी जिससे वो स्टार्ट हुए, इसी नाम से उन्हें जाना जाता था, और उसके बाद बहुत कुछ उन्होंने किया है। अब तो जो है सॉन्ग्स में भी, सॉन्ग वीडियोज़ में भी आ गए हैं, मॉडलिंग भी की है, कुछ एड कैंपेन्स भी किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बुलाते हैं हमारे वेरी वेल नोन चाय वाला अरशद खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप ठीक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अर्शद, आप तो स्टार बन गए इतने बड़े हैं, क्या बात? बस ये तो अल्लाह के काम से बना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वैसे मैंने ये सुना था, शायद आप लोगों ने भी ऐसा सुना कि अर्शद ने छोड़ दी है मॉडलिंग, या जो है वो मीडिया में बिल्कुल छोड़ दिया है क्योंकि लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया, ये कहा कि किन कामों में पड़ गए हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे ऐसा हुआ था? जी बिल्कुल हुआ था ऐसा, लेकिन वो किसी ने खबर चलाई थी, फेक खबर चलाई थी। फेक थी, ऐसे किसी ने कहा नहीं था? नहीं, फेक थी, किसी ने कहा नहीं था। हम काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं, करेंगे। क्योंकि मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा ऐसी भी क्या कि लोग तो बातें करते हैं, लोगों का तो काम है, वो तो बुरी बुरी बातें कहेंगे भी, वो तो तंग भी करेंगे, है ना? जी बिल्कुल, ये तो पब्लिक के आवाम है, इनके मुँह तो कोई नहीं बंद कर सकता। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप लोग सुन ले, अर्शद अभी भी काम कर रहे हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत जो है चेहरा दिया है, और तो फिर क्यों ना जो है इसका वो किया जाए। तो क्या कुछ किया अभी तक मुझे बताएं? जी अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और अभी शो बनाया हुआ है जिसका नाम है चाय वाला एंड फ्रेंड्स, अभी तक रिलीज नहीं हुआ। अच्छा, रिलीज किया जाएगा क्या? चाय वाला एंड फ्रेंड्स? वाह जी, जी बिल्कुल, जबरदस्त। अगले हफ्ते इंशाल्लाह जर्मनी से कुछ टीम आ रही है, जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रही है। अच्छा जबरदस्त, इसी बारे में कि किस तरह जो है जी जी ये फेम मिला और क्या हुआ। एक दफा अगर हम रीकैप दें, एक दफा अगर हम दोबारा से लोगों को बताएं कि हुआ क्या था, किस तरह जो है आप एकदम से जो है छा गए, कहाँ से वो तस्वीर आई, क्या हुआ था, जरा मुझे बताइए। जी बिल्कुल जरूर बताएंगे। वो असल में G9 का मार्केट जो है पाकिस्तान का सुपर मार्केट है, सीडिया का, बिल्कुल उसमें हम काम करते थे, मुख्तलिफ काम करते थे, मतलब जो भी काम आ जाता था हम करते थे। तो उससे तकरीबन एक महीना पहले मैं चाय के ढाबे पे आ गया था, तो देखते हैं कि जिया अली ने तस्वीर खींची थी, हमें पता ही नहीं था। जब वो जिया अली के वो आई तकरीबन एक महीने बाद आई, तो उसने मुझे कहा कि आपकी पिक्चर मैंने एक महीने पहले खींची थी और मैंने अपलोड की है रात को। तो उसके बाद सोशल मीडिया आ गई थी, उसके बाद फिर मुझे बहुत घबराहट हो गया था, मैं चला गया था। अच्छा, शुरू में आपको लगा था कि पता नहीं मैंने शायद कुछ कर दिया है? जी जी बिल्कुल, शुरू में घबराहट हो गई थी, तो मैं साइड पे चला गया था। अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो थोड़ा बहुत सीख लिया है इसमें, अब तो सीख लिया और आगे। और मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि जब अल्लाह ताला आपको किसी अपॉर्चुनिटी के साथ प्रेजेंट करता है, जब आपको कोई मौका देता है तो उसको अवेल करना चाहिए, बाकी इस तरह की बातें शातें सोच के कि ये नहीं वो नहीं, वहीं पर इंसान जब रुक जाता है ना, जब आगे नहीं जाता, तो ज्यादा अफसोस की बात होती है। आपने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए है ना? जी बिल्कुल। तो इंटरव्यू में कभी ऐसा कुछ हुआ किसी ने कोई अजीब सी ऐसी बात पूछ ली हो कि आपको कि यार ये कोई पूछने की बात तो नहीं है? नहीं, आज तक तो किसी ने पूछा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, पूछेंगे भी नहीं कोई। अच्छा, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज जो है मैंने देखे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो शायद भूल जाते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उस चक्कर में ना कि बस रेटिंग हो या कुछ हो, तो वो अजीब किस्म के सवालात भी जो है वो पूछ लेते हैं। लेकिन आपके सारे मैंने इंटरव्यू देखे, आपने इतने अच्छे तरीके से जवाब दिए, आपने इतना संभल के जो है हर चीज़ बताई है और सारा कुछ, तो बहुत खुशी होती है मुझे इस बात। जी संभाल के बताना ही पड़ता है, बताना पड़ता है। अच्छा, बहन भाई क्या कहते हैं? बहन भाई कुछ भी नहीं कहते हैं, वो क्या कहेंगे? किसी को शौक, किसी भाई को शौक नहीं कि मैंने भी आना है, मैंने भी ये करना? नहीं, है नहीं, किसी को भी शौक नहीं, किसी को भी नहीं। अच्छा, शौक नहीं कि इजाजत नहीं? पहली बात तो है कि इजाजत नहीं, और दूसरी बात शौक भी नहीं असल में। वाकई? नहीं, शौक भी नहीं रहती इतनी। वाह जबरदस्त। हालांकि अगर आपके घर में एक हो जो इतना मशहूर हो जाए और सारा कुछ, फिर छोटे भाइयों को या किसी को होता तो है कि मेरे भी साथ ले जाओ किसी एक कैंपेन में, किसी एक गाने? नहीं, आज तक तो किसी ने भी नहीं बताया। अच्छा अच्छा, एक गाना आपका आया था जो मॉडल का मैं नाम भूल गई हूँ, जो सिंगर थी, मॉडल भी है, उनके साथ इनका एक गाना शूट हुआ था, मुस्कान के साथ। जी बिल्कुल। तो उस गाने पे क्या कमेंट्स आए, क्या कहा लोगों ने? उस गाने में, उस गाने की वजह से कुछ दिन काम भी रुक गया था मेरा, मुझे पता ही नहीं था, और खानदान वाले ने काम रोक दिया था, कहता है ये गलत कर रही हो ये वो, तो हमें तो पता ही भी नहीं था। अच्छा। असल में मेरे साथ जो टीम मेंबर्स थे वो भी साथ गए हुए थे, वो भी शूट के दौरान में वहाँ पे नहीं थे। अच्छा। तो किस सेट पे चले गए थे, तो वो पोज जो है ना हम लोगों ने कुछ गलत किए थे बीच। ये कहाँ पे शूट हुई थी वीडियो? ये इधर ही हमारे मले में हुई थी। अच्छा, इधर ही हुई थी? मुझे पता नहीं लगा था, शायद बाहर जाके। नहीं नहीं, हमारे मले में हुई थी। तो आपके साथ वैसे कौन कौन जाता है, आपके कोई मैनेजर है या कोई? जी हमारे मैनेजर भी है और हमारे ड्राइवर भी है, हमारा पूरा ग्रुप है। अच्छा, रिश्तेदार ही है या कोई और? नहीं, बचपन के दोस्त भी है बीच में। अच्छा, जो रजवान काजमी है, एप्टन मरकज के रायशी है। अच्छा अच्छा। और काजम हसन है। अच्छा अच्छा, ये आपके साथ जिंतन कंपनी है। जी अच्छा अच्छा, हमेशा साथ होते हैं। जी हमेशा। तो ये लोग भी उधर कहीं घूमने फिरने चले गए थे, तो पीछे से जो है? हाँ, ये लोग भी आगे पीछे हो गए थे, पीछे से गाना बन गया था। तो फिर कैसे दोबारा, कैसे पेरेंट्स को कहा के नहीं ये एक दफा हुआ है, ये दोबारा नहीं होगा, अब मैंने कोई और काम करना है?
जी बिल्कुल, मैंने फिर मना लिया था। ये होता रहता है शुरुआत में, बंदे से गलती हो जाती है, होती रहती है, समझ नहीं आती है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल वो। अच्छा, एक गाना भी बना ना चाय वाला। जी गाना भी उन लोगों के साथ गाना बनाते हुए वो बना लिया था उनके साथ भी। फिर उसके बस कुछ खुद नहीं उसमें बताया था उन्होंने जो लिखा है, मैंने तो सुना है आपने भी शायरी की है उसमें। नहीं नहीं मैंने तो नहीं की, कह देना चाहिए, मैंने ही तो लिख के दिया है उन लोगों को। ऐसे तो ऐसे भी होता है ना, लोग क्रेडिट ले लेते हैं दूसरों की बातों का। लेकिन दरअसल मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप यहाँ पर आए, आपने एक नया ट्रेंड जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और अब तो किसी की भी चाय के साथ अगर तस्वीर लग जाए तो सबसे पहले जो है ना इन्हीं का जिक्र आता है कि ये देखें ना कितना जो है ज़बरदस्त किस्म का ये वो आ गया। और सोशल मीडिया की पावर ही यही है कि एक दफ़ा अगर आप क्लिक हो जाएं तो आप छा जाते हैं, है ऐसा कि नहीं? जी ना अरमान, देखो ना हम रोज़ टीवी पे आते हैं ये छा रहे अरमान, बजा दो, अपने लिए नहीं बजाते कभी हैं, अगर मैं थोड़ी सी जुगत मार दूँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ बाकी भी बहुत सारे लोग होंगे और एक्टिविटीज भी होंगी जो हम स्टार्ट करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मे हिकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे हमारे बाकी गेस्ट ने भी, मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे साथ हैं ISPR की बहुत सारी वीडियोस में आपने इनको देखा होगा, इस वक्त इनके वेरियस सिटकॉम्स और प्लेस भी जो है वो डिफरेंट चैनल्स पर चल रहे हैं। तैमूर अहमद, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? ठीक ठाक। आज चाय के शो में इंक्लूड होकर कैसा लग रहा है आपको? आप पहले तो वो भी इंतजार करूँ चाय मिले तो मॉर्निंग हो, है ना? चाय नहीं मिली, इतना बड़ा जुर्म ये किसने किया? चाय कैसे नहीं मिली? मुझे लगता है मुझे खुद ही बनानी। हमारी वैसे एक स्ट्रेटजी होती है, हम जो है ना शो के बीच में चाय देते हैं मेहमानों को ताकि वो उस वक्त नजर आए, एकदम से जो शिफ्ट होता है ना एनर्जी में। और आज तो हम आपसे बनवाएंगे चाय, एक्चुअली मसला ही है। मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूं। चलो इसके बारे में मैं आपसे पूछती हूं कि क्या आपकी जो है ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। हमारे साथ है महरीन नरगिस, हमारी कंसल्टेंट डाइटिशियन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज तो चाय चाय से इब्तिदा हो रही है, चाय हो गया बस सब कुछ। जब कल कॉल आई कि महरीन आपको हम बुला रहे हैं चाय पे शो है, आपने क्या सोचा? मतलब यूजुअली जो है हम न्यूट्रिशनल वैल्यू इन चीजों की बात करते हैं ना, मैंने फौरन ही किया कि इसमें हम लोग चाय का तो कोई प्लान ही नहीं होता। हाँ। क्योंकि चाय तो पूरे दिन में चलती है। हाँ, और डाइट प्लान में से अगर चाय निकाल दी तो डाइट प्लान में चाय निकल जाए तो पीछे कुछ रहता ही नहीं है। तो आज बस सुबह से रात तक ब्लैक टी से लेके नाइट टी तक हमने टी को ही पूरा इसमें करना। और टी वैसे भी मैं बहुत लविंग हूँ, आप जैसे कहती हैं कि हम वी आर अ लविंग नेशन, तो टी लविंग है हम बहुत ज्यादा। और हम जो बात करें ना, हम बात करें इस वक्त इसको आप इंग्लिश टी कह लें या इसको पाकिस्तानी टी कह लें, वो चाय जिसमें दूध पत्ती और पानी ये जो है ना तीनों चीजें जो है जो आपको मिलती हैं, और इसी की वेरिएशंस हम आपको बताएंगे। वर्सटाइल ये मतलब के टॉपिक है, इसमें आप कश्मीरी चाय, बिट लॉस टी, जिंजर टी और ब्लैक टी और हर किस्म की जितनी भी चीज़ें, तो एकदम सारा कुछ ही जहन में वो आ रहा था। और मुझे लगा कि आज बहुत ज़बरदस्त शो होने वाला है ना। मेरे दिमाग में तो सवालात भी बहुत सारे हैं ना, जैसे कि चाय पी के काले हो जाना, ज़्यादा चाय पीने वाले जल्दी से काले हो जाते, बच्चों को चाय ना पिलाओ काला हो जाएगा। एक तो हमारी कौम की सबसे बड़ी मुझे लगता है फियर ही काला हो जाना है, है ना? तो ये सारी बातें जो है ना कि हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। अच्छा जी, और हमारे साथ हैं आप सबके बहुत ही फेवरेट सिंगर, बहुत इनकी खूबसूरत आवाज़ है, स्पेशली पश्तो गाने इनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, शान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे तो मैं स्पेशली बात करूँगी कि हमसे तो स्पेशली पूछा जाता है अगर आपका ताल्लुक हो, मैं अभी तक NWFP कहती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से, तब से कहते हैं आपने कौन सी चाय पीनी है, पठानों वाली चाय पीनी है या नॉर्मल चाय पीनी है? बिल्कुल है ना। चाय तो जैसे कि आज स्पेशल एपिसोड है आप लोगों का चाय का, तो मुझे जब रेहान भाई ने कॉल की स्पेशल चाय के, ही इज अ वेरी गुड बडी, तो मतलब उनको मैं इनकार एक तो कभी नहीं करता इस चीज में, क्योंकि मेरा एक अपना कुछ डिफरेंट जॉनराज है, बट आज मैंने स्पेशल कुछ सॉन्ग्स तैयार किए हैं चाय के हवाले से। डो इट हम लोगों ने किए हैं क्योंकि ऑब्वियसली ATV इज अ वेरी यू नो काइंड ऑफ अ चैनल के जो आपको हमेशा जो है ना एक नई चीज लेके आता है, इन्वेंशन लेके आता है, इनोवेशन हमेशा करते रहते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये बेटर रहेगा कि कुछ चेंज गाया जाए और थोड़ा एक एक्सपीरियंस चेंज किया जाए और थोड़ा सा जो है ना टास्क लिया जाए। मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, इस तरह के गाने भी गाने चाहिए, यू नो।
तो इसलिए मैं स्पेशल कल हमारी टीम के लिए भी एक चैलेंज था कि हम लोग बैठ के फिर आई थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर एवरीबॉडी वी हैव एन एक्टर हियर वी हैव महरीन ओवर हियर जो चाय से ही रिलेटेड बात करेंगे अरशद ने भी अपना जो है करियर उनका स्टार्ट तो चाय से हुआ था माशाल्लाह ये भी बहुत कुछ कर चुके तो वापस जो है आके चाय पर आना यू नो दिस इज फॉर एवरीबॉडी बहुत माशाल्लाह बहुत डिफरेंट मुझे तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा जो पीछे आपको नजर आ रहे हैं इसको पर्सनल में तो चैनक बोलते हैं उर्दू में चैनक बोलते हैं चैनक ही बोलते हैं चैनक ही बोलते हैं तो ये सारी चीजें जो आज है अच्छा पश्तो में कोई गाने हैं या चाय के कल हमने हमारी रिसर्च टीम पूरी बैठ के कल चाय के गाने ढूंढ रही थी ऑब्वियसली बिकॉज़ अरशद खान जो है ये खुद भी पख्तून है तो डेफिनेटली तो बताएं ना मुझे है कोई पश्तो में गाने चाय पे पता नहीं चाय से रिलेटेड इनको पता होगा मैं कैसे बता सकता हूं चाय के गाने आप सिंगर हो तो ये वाह जी वाह क्या बात है अब तो मैं तो हम लोगों ने कल बहुत ढूंढे अच्छा पश्तो का गाना वैसे पश्तो का गाना हमने सबसे बड़ा मसला तो ये कि आप जो है ना गूगल में पश्तो में सर्च वर्ड नहीं डाल सकते है ना जब आप अंग्रेजी में डालते हैं तो सारे आपको जो है वो इधर उधर के गाने ही मिलते हैं और कुछ तो अल्लाह माफ करे क्या गाने थे चाय वैसे पश्तो में भी चाय ही कहा जाता है ना तो इसलिए वो मतलब लेकिन वो पश्तो में आता नहीं ना वो स्पेशल उसी में आता है सिर्फ जो अंग्रेजी वाली चाय ही आती है या फिर जो उर्दू में जितने भी चाय के गाने वही बिल्कुल वही आते हैं बट कुछ चेंज गाने वैसे रेडी किए हम लोगों ने आई होप कि आप लोग एंजॉय करें हां जबरदस्त अच्छा मैंने सोचा है कि एक हमारी एक्टिविटी भी हम करेंगे क्योंकि हमें चाय पे बहुत ज्यादा गाने थे कुछ ऐसे गाने थे जो हम यहाँ पर नहीं प्ले कर सकते ठीक है तो मैंने सोचा कि हम एक एक्टिविटी ऐसी करेंगे कि जितने भी हमारे मशहूर गाने हम उसमें चाय का वर्ड डाल देंगे मुझे तो लगता है कोई भी गाना जो महबूबा के लिए गाया जाए वो चाय के लिए भी गाया जा सकता है क्यों नहीं क्योंकि चाय हमें इतनी पसंद है है कि नहीं बट ये टास्क भी मेरे लिए बेटर है क्योंकि मैं सिंगर हूँ तो मेरी रब आप इतना कह ही रहे तो चले शान फिर हम आपको रिक्वेस्ट कर ही देते हैं हमें कुछ सुनाइए आप हमें चाय की एडजस्टमेंट करके चाय की एडजस्टमेंट ये हम सब करेंगे ये वाला क्या हुआ अच्छा आप आपके साथी भी हैं एक ड्यूएट है जी हमारी अभी सिंगरनी है वो नहीं आई तो जब वो आ जाएंगी तो हम आपको एक जो है वो ड्यूएट भी सुनाएंगे तो बिफोर वी गो टू दैट हम लोग जो है पहले महरीन से पूछना चाहेंगे मुझे बताएं चाय का क्या वाकई कोई नुकसान है कि नहीं संदस अगर ज़रूरत के अंदर पिया जाए तो फ़ायदा मंद है ज़रूरत से ज़्यादा पिया जाए तो फिर नुकसान है ठीक है हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड बेसिकली टी की भी डिफरेंट एग्जाम होती हैं इसमें ग्रीन टी भी आ जाती है ब्लैक टी भी आ जाती है जो दूध पत्ती वाली चाय होती है वो भी आ जाती है कश्मीरी चाय भी आ जाती है अब ग्रीन टी तो आप जितनी पिए उसका कोई नुकसान नहीं है ठीक है ब्लैक टी भी किसी हद तक आप यूज़ करें कोई नुकसान नहीं है अब आप दूध पत्ती दिन में एक 20 कप पी लें 3-3 चम्मच चीनी डाल के तो डेफिनेटली नुकसान है तो आप उसको जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट चाय का होता है दैट इज़ कैफीन ठीक है कुछ लोग कहते हैं कि कैफीन एडिक्टेड होते हैं या उनको इसको एज अ वो समझते हैं कि एक नशा होता है चाय का ठीक है तो एक खास एक टाइम पे तलब होती है कि इस टाइम पे मैंने चाय पीनी है सारा कुछ नहीं होती है बिल्कुल क्योंकि देखो कैफीन एडिक्टिव होती है आप उसमें आपको हो जाता है कि अब दिन में कुछ लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं तो डेफिनेटली अगर आप कम क्वान्टिटी में पियो क्योंकि जो टी लीव्स हैं बेसिकली वो आपका आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में आपकी हार्ट हेल्थ के लिए दे आर वेरी हेल्पफुल आपका वेट करने में इफेक्टिव होते हैं आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं विद इन अ रेंज रेंज मतलब कि 4-5 कप पर डे में अगर आप पीते हैं ये आपकी रिकमेंडेड रेंज है अब अगर आप इससे ज्यादा पी रहे हैं ठीक है तो डेफिनेटली एक्सेस ऑफ कैफीन आपको नुकसान देती है माइट बी के हेडेक हो सकता है लेजीनेस हो सकती है कुछ लोगों को जो है दांतों पे हल्का सा एक स्केलिंग सी आ जाती है स्टेन आ जाता है ठीक है ये बहुत कॉमन जो बहुत ज्यादा टी लवर्स होते हैं उनको अक्सर ये प्रॉब्लम्स रहती है अगर आप बहुत रेगुलरली ब्रश करते हैं तो वो भी नहीं उसमें निकल जाता है बट दिस कैन बी कॉफी से भी आ जाता है एग्जैक्टली दिस कैन बी मतलब उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है फिर जो बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे हो तो आपकी वर्किंग भी उससे इफेक्ट हो रही थी कुछ स्टूडेंट्स को आपने देखा होता है वो बहुत ज़्यादा चाय पी रहे होते हैं जस्ट कि हम अलर्ट रहें और वर्किंग लोग भी बहुत ज़्यादा हैं आपको अलर्ट रखने के लिए लेकिन न्यूट्रिशनली एक्सेस ऑफ टी जो है खासकर ब्लैक टी और जो दूध पत्ती है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए इसको अपनी एंजॉयमेंट के लिए रखें अपनी एक प्लेयर के लिए इसको इस्तेमाल करें दिन में 5-6 मरतबा हाँ ग्रीन टी या जो दूसरी टी होती है क्योंकि बेसिकली जो चाय है ये चाइनीज़ ओरिजिन है ठीक अब एक तो डाइट टी भी आ गई है ना डाइट टी भी आ गई है इनिशियली काफी अर्से तक ये जो टी के लीव्स थे इनको च्यू करके इस्तेमाल किया जाता था बिल्कुल खाया जाता था डायरेक्ट खाया जाता था ये बहुत बाद में इस चीज का मतलब उस वक्त लोग इसको एंटी पॉइजन भी यूज करते थे इसको फॉर रिलीफ यूज किया करते थे बहुत बाद में इस चीज का फिर चाइनीज को हुआ कि अगर इसको हम वाटर के साथ में हल्का सा बॉइलिंग करके और इनिशियली
टी बनी थी, तो ब्लैक टी दूध पत्ती नहीं बनी थी। चले इसके के जो इफेक्ट थे वो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स अब भी चलते आ रहे हैं। और फिर चाय ने इतने रंग बदले कि अब हर किस्म की, हर नमकीन चाय और मिर्चों वाली चाय और मीठी चाय और हर किस्म की जो है उन्होंने बात की मिर्चों वाली चाय, ये वाकई अवेलेबल होगी। किसी ने पी है यहाँ पे मिर्चों वाली? पी हुई है कहाँ पे? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में आजकल अगर आप देखें चाय तो एक हर घर की डिमांड है। सेकंडली आजकल सबसे बड़ा बिजनेस आपका चाय का। आप देख लें जितने भी टी स्टॉल्स हैं इस्लामाबाद में, द मोस्ट रनिंग बिजनेस आर ऑफ दिस टी, और डिफरेंट नाम के साथ, आई वोंट टेक द नेम, बट डिफरेंट नाम के साथ वो मार्केट में, एंड दे आर यू नो मेकिंग अ ह्यूज मार्केट इन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि दो चीजों का कभी टाइम नहीं होता, एक बेइज्जती और एक ये चाय का। लिटरली जिंदगी में दो चीजें, आपको भी नोट कीजिएगा, कोई टाइम आपको भी चाय को ना नहीं करते, जिसके घर आप जाते हैं आप चाय, हाँ जी ले आए, बिल्कुल बिल्कुल। और बेस्ती तो खैर चलते फिरते होते होता है, चाय के साथ क्या लेंगे, चाय लेंगे या पानी या जूस जो कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, चाय तो होती होती है साथ। और ये आपने इतनी अच्छी बात की आपको इस्लामाबाद में, अब मुझे पता नहीं कि आजकल क्या है, लेकिन 25 रुपए से लेके तो 250 रुपए तक की चाय जो है ना वो आपको मिल जाती है डेफिनेटली। फिर आगे 300 और 400 वाली चाय भी है। हाँ, बिल्कुल। और वो चाय वही होती है, हो सकता है कि 400 पे जाकर थोड़ी ज्यादा बुरी हो जाती है, लेकिन आपको वो मिलती ज्यादा वाकई, मतलब अभी तक सबसे अच्छी चाय आपको जो है वो किसी ढाबे मिलेगी, ढाबे पे ही मिलेगी ना, और वो सबसे अच्छी, और वो चाहे आपके किसी पॉश इलाके का ढाबा है या आपके जो है वो जीटी रोड के ढाबे, लेकिन वो चाय जो वहां पर मिलती है ना, क्या डालते हैं उसमें, ऐसी खास क्या बात होती है, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है वो जो टीन का डब्बा नहीं लगाया हुआ होता साइड पे, जायका उसका होता है। नहीं नहीं, मुझे लगता है तो इसमें ऐसी आई है, मुझे लगता है ये उसी का जायका, वो जो आई गेस वो चाय को जब ऊपर से वो I don't know exactly. हाँ, वो जो यूं करके डालते हैं उससे वो जो झाग निकलती है ना, I guess that's the ultimate taste of the tea. अच्छा, अपनी अपनी फेवरेट चाय तो बताएं जरा, कौन सी आपकी फेवरेट चाय, किस किस्म की है चाय? बस वही जो अभी उन्होंने बात की कि झाग जब प्रॉपर आए उसमें, और मतलब मिल्की काइंड ऑफ टी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, जिसमें मिल्क, गाढ़ी वाली, गाढ़ी अच्छी लगती है, ज्यादा पत्ती ना हो तो बेटर रहता है। अच्छा, हाँ, पत्ती हो ज्यादा। आपको आपको कौन सी चाय? अच्छा, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पे जाए ना, तो वहाँ नमक वाली चाय भी है। आई रियली लाइक दैट नमक वाली चाय, और उसके अंदर अ बिट ऑफ लाची, बहुत अच्छी। गिलगित में पसंद आई ना, पसंद आई। मेरी नाम की कौन सी है फेवरेट चाय? सुनते सीखी जो, बस एक तो सफर के दौरान में जो होटल्स में आप लेते हो मरीजाओ, और बहुत ज्यादा अच्छे से जो इनकी होती है वही वाली जो बहुत पकी हुई, पकी हुई जो होती है, सही हार्ड किस्म की जो होती है, वो बहुत ज्यादा मैं तो उसको बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा। जो होटल्स वही ढाबे वाली, जो ढाबे वाली चाय तो चाय सिंपल से पीता हूँ, और खुद अपने हाथों से बना के पीते रहता हूँ। खुद बना के पीते हैं, खुद पीता हूँ ये, अब पता है खुद बनाई हुई चाय सबसे अच्छी होती है, अनलेस आपकी अम्मी आपके लिए बना दे, जो अब तो ताना ही बन गया कि अभी इस उम्र में भी मैं ही तुम लोगों को चाय बना के दूँ, तो अब खुद बना के देनी पड़ती है। लेकिन क्या क्या उसमें क्या होता है, इलायची होती है, मसाले शसाले होते हैं? नहीं, इलायची तो मैं नहीं यूज करता हूँ, चीनी पत्ती यूज करता हूँ, बस चीनी पत्ती, चीनी पत्ती यूज करता हूँ, और दूध, दूध बस यही होती है। अच्छा, मेरी फेवरेट चाय जो है वो इलायची वाली चाय है, जिसमें पत्ती तेज, थोड़ा सा दूध जो है वो कम लेकिन होना चाहिए, और वो अच्छी जो उसको अच्छी तरह जो पकाया हुआ होता है ना, जो आप कह रही हैं ये मैंने की है दुबई में। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह हार्ड बनाते हैं, उसमें इलायची डालते हैं, और वाकई उसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल होता है। जो कैफेज होते हैं वहाँ पर, वहाँ पर ये मिलती है चाय, और मैंने जो पी है काफी फर्क देखा, मतलब लाइक वहाँ की चाय में और यहाँ पर थोड़ा सा है, यहाँ पर डिफरेंट आपको वो मिलता है, मतलब टेस्ट मिलते हैं, फ्लेवर्स मिलते हैं, बट वहाँ का एक स्पेसिफिक फ्लेवर है, और उसमें वही हार्ड होती है, साथ में उनको उन्होंने इलायची मिक्स किया होता है प्रॉपर अंदर से, उसमें पकाया होता है, पकाया हुआ होता है, बिल्कुल काफी मजे की होती है। अच्छा, मैं हम लोग जब अभी T10 के लिए जब मैं गई थी, तो वहाँ पर कुछ लोग थे, मुझे उनका नाम भी वैसे लेना भी नहीं चाहिए, पर उन्होंने एज गिफ्ट हमें जो है उनकी अपनी टी कंपनी थी कुछ चाय दी, तो उसमें वो वैसे ही मतलब मैं रख के वापस लाई। मैं जब भी वो बनाऊँ वो इतनी अच्छी चाय थी, और फिर मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स देखे तो उसके अंदर यही इलायची मिक्स हुई हुई थी, और वो पत्ती भी थोड़ी डिफरेंट सी थी, इट वाज राउंड, ऐसे ना गोल गोल सी पत्ती थी, जैसे हम लोगों की तो डिफरेंट सी होती है ना, उस तरह की वो पत्ती थी, उसमें इलायची थी, ज़ाफ़रान थी उसमें, तो वो बहुत मजे की, से भी टेस्ट बहुत एकदम से इनहांस हो जाता है ना, तो सच गुड टी। तो मुझे लगता है चाय पत्ती पर भी बड़ा डिपेंड करता है, कुछ तो चाय पत्ती इतनी बुरी होती है, मैं नाम नहीं लूँगी, बड़ी मशहूर एक चाय पत्ती है, लेकिन उससे इतनी बुरी चाय बनती है कि मुझे नहीं पता कि वो अभी तक मार्केट में कैसे और वो कौन खरीदता है। उनका एक टाइटल सॉन्ग भी था चाय पे। कौन सा था? उनका एक टाइटल सॉन्ग भी था चाय पे।
मैं तो कुछ नहीं बता रही हूँ, सारी पत्ती बहुत अच्छी होती है, जितने आप लोगों को एड्स दिखाते हैं सारी बहुत जबरदस्त पत्ती है, लेकिन एक जो है वो पत्ती है जो बहुत बुरी, फिर मैंने बीच में भी सुना था कि कुछ इस तरह की जो खुली पत्ती होती है उसमें वो पता नहीं क्या कुछ मिक्स कर देते हैं, पता नहीं बकरे का खून मिक्स कर देते हैं, क्या डाल देते हैं, मैंने कहा व्हाट, वैसे तो स्मेल इतनी ज्यादा है, कुछ अक्ल का काम करो यार, ठीक है रंग शंग तो डाल सकते हैं लेकिन खून मिक्स करना थोड़े एक्स्ट्रा हो गया, प्लीज ऐसे मत कीजिएगा, सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए आपको। लेकिन और पत्ती पे भी बहुत डिपेंड करता है मुझे लगता है, क्योंकि श्रीलंकन टी बहुत मशहूर है, उनकी एक होती है, आप लोगों को पता चलेगा मैं कितनी चाय की शौकीन हूँ जब मैं आपको चीजें बताना शुरू करूंगी, एक उनकी होती है गोल्डन समथिंग करके उसका नाम है, उसको रॉयल टी कहते हैं, और वो आपको बिल्कुल, आपने 3-4 कप भी अगर चाय बनानी है तो उसमें आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच डालते हो, उसका तेज रंग होता है, तेज उसका टेस्ट होता है, बहुत मजेदार जो है वो टी होती है। इसी तरह एक कीनियन टी होती है, कीनिया की, वो भी बहुत फेमस है और वो भी ये सारी ब्लैक टीज है, मतलब इसमें कोई ग्रीन टी नहीं है, और मैंने हर चीज में जो है ना वो फिर मिल्क मिक्स करके, वहां के लोग भी ब्लैक हैं, आई थिंक टी दैट्स व्हाई श्रीलंका है, कितनी यू नो कितनी बुरी बात है, देखिए इनको लगता है इस वजह से नहीं, लाइक ब्लैक वैसे एक बड़ी वहां से अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वैसे ये एक जनरल इफेक्ट हो सकता है वैसे। मैं तो नहीं बचाऊंगी आपको इस बात पे बिल्कुल भी, मैं तो नहीं चेहरा साथ दूंगी, लेकिन क्या बात है कीनिया की और श्रीलंका की टी, प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी कि टी से रंग का होता, तो आपने तो साबित कर दिया, साबित कर दिया। मुझे तो बड़ी हंसी आती है, एक दफा किसी ने यहाँ पे हमारे शो पे कहा, मुझे नहीं बात बतानी थी, मैं ब्रेक में बताऊंगी इससे रंग से रिलेटेड कोई बात हुई थी वो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी खराब हो जाएगी, तो मैं आपको ये वाली बात नहीं बताऊंगी। हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी, आई थिंक सो, चाय बहुत हो गया, यहाँ बनाना शुरू करते हैं तो हमें उसके लिए स्टॉल भी लगाना है, तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। अर्शद गाना गाओगे आज हमारे साथ? नहीं, थोड़ा बहुत, ऐसे तो नहीं होता ना, देखिए मैं भी सिंगर नहीं हूँ, महरीन भी नहीं है, पश्तो का थोड़ा सा गा लेंगे, मिलके गा लेंगे, ठीक है, मिलके गा लेंगे, बस जबरदस्त, चलेंगे तो मैंने मना लिया, छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप साथ हैं। मॉर्निंग, हम हैं चाय वाले ढाबे पे और हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं क्या, चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो जिस तरह अर्शद ने कहा ना मैं अपने लिए खुद चाय बनाता हूँ, तो मुझे बताएं कैसे बनानी है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, पानी पहले, पानी ये ले जी, पानी, अच्छा मैं आपको बताऊँ मेरे पास आई थिंक सो मेरा इंटरव्यू वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू जो अर्शद का हुआ था इस्लामाबाद में, जब ये मेरे पास आए थे, और तब भी मैंने कहा था आपने मुझे चाय जिससे आप इतना मशहूर हुए वो बना के पिलानी है, और तब से अब तक की आप जर्नी देखें कि किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाती है, और मेरी दुआएं हैं कि आप मजीद से कामयाब हो। अभी हमने इसको पहले ये पानी उबलेगा, इसमें पानी डालेगा, उसके बाद वो पानी पत्ती उबल जाए फिर हम थोड़ा और पानी डालेंगे, नहीं और तो नहीं डालेंगे फिर वो उबलेगा फिर और डालेंगे पानी उबलेगा उसके बाद पत्ती और चीनी डालेंगे, ठीक है, वो अगर पिघल जाएगी बीच में चीनी, उसके बाद दूध डालेंगे, ठीक है, ये अच्छी बात है कि हम चीनी इसी में डालते, जो चीनी नहीं पीते उनके लिए ये चाय नहीं है, ठीक है, ये हमारे लिए फिर, तो वो उबलना शुरू हो गया, इसमें हम डाल देते हैं पत्ती भी, कितनी पत्ती डाली, तकरीबन कितना पानी डाला है, 1 कप, 1 कप डाला, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बना रहा, सिर्फ अपने लिए चाय बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, अच्छा तो सेलिब्रिटी कहते हैं आप लोगों की, आप खुद बना लेना, आप सीख लें, है लेकिन ना आप मुझसे सीख लें, उसके बाद अपने लिए खुद बनाइएगा, जी बिल्कुल, देखें अब इसमें चीनी कितनी डालेंगे, चीनी 1 चम्मच डलेगी, 1 चम्मच चीनी डलेगी, ठीक है जी, आपका तो चम्मच ही बहुत बड़ा है देखिए हम चाहते हैं कि आपको शुगर ना हो, आप कम चीनी डालें इसमें, ये हो गया, अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे और फिर ये हमारे पास जो दूध है ये हम डालेंगे। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी और मेहमान आई हैं, इनको भी आप वेरियस सीरियल्स में देख चुके हैं, इन्हें आप मॉडलिंग शूट्स में भी देख चुके हैं, कैंपेन्स में भी देख चुके हैं, एक्टिंग भी ये बहुत अच्छी करती हैं, किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा लग रहा है आज आपको, चाय का क्या मतलब है आपकी ज़िंदगी में, चाय क्या वैल्यू रखती है? अच्छा बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब मुझे कल फोन आया ना कि चाय वाला आ रहा है, हाँ। आप यकीन करें मैंने सुबह से चाय नहीं पी आपने कहा ये चाय पे, तो फिर मैं जस्ट वेट कर रही थी कि जब कब ये चाय बनाए और कब मैं इनके हाथ की चाय पीऊँ। देखिए अर्शद फिर अब आपको अफसोस नहीं हो रहा आपने कम चाय बनाई है?
हम छोड़ देते हैं, इसी पिला देते हैं। क्या बात है, ये देखे ना, ये जज्बा होना चाहिए। ये जो मेरे दोस्त है ना पीछे सारे हैं मेरे भाई, इन लोगों को है, उसने अपनी चाय कुर्बान कर दी किरण पे, आप लोगों को पता ही नहीं चला। थैंक यू, ये मेरे चाय कुर्बान हो गई। क्या क्या मुझे बताओ, कुछ बताना चाहिए, किसकी शिकायत लगाना चाह रहे हैं मुझे वहां से। अच्छा हम ऐसा करते, चाय तो हमारी बन रही है यहाँ पे, अर्शद गाने का क्या बना फिर, हम गा रहे हैं कुछ गाना? मैं तो नहीं गा रहा हूँ, आप लोग गाएं, माशाल्लाह पांच बंदे आप लोग। नहीं लेकिन अच्छा जो हम एंजॉय करेंगे आप लोग गाएं, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं एक पश्तो गाने से, क्या कहते हैं शाना? श्योर, व्हाई नॉट। हैं जी, क्या आप प्लीज आगे आ जाइए हमारे साथ आ जाइए। क्या हो गया, क्या हो गया, ये प्लीज जरा आप चेक करें। कोई बात नहीं, सबको पता, कीजिए चेक, हुआ ऑन, कर रहा है काम, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम लोग जरा अपना जो म्यूजिकल सिस्टम है वो सेट कर रहे हैं। कीजिए सेट कीजिए, हम दो मिनट सबर कर लेते हैं, तब तक हम चाय देख लेते हैं कहाँ तक पहुँची मेरी चाय। बस बन चुकी है, बन गई चाय। ये मुझे लगता है इस पतीली का भी कमाल है, इसमें हर चीज़ बहुत जल्दी जो है वो पकना शुरू हो जाती है। यही चीज़ अगर आप घर में उसमें बना रहे हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मैं कभी हमेशा भूल जाती हूँ उसको, मैं स्टेनलेस स्टील कहती हूँ हमेशा, वट इज़ नॉन स्टिक में, तो वो जो है नहीं बनेगा। तो ये हमारी चाय बन गई, और अर्शद ने बहुत जुल्म किया है कि हमें कम चाय बना के दी है, तो ये तो जो है ये मेरी और किरण की चाय होगी। ठीक है, जबरदस्त, हम इसको सर्व भी कर देते हैं। ये हम इन छोटी छोटी सिग्नेचर ढाबे प्यालों में इसको सेल्फ सर्विस नहीं, चले मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप यहाँ पर गिरा देंगे, वैसे इतनी सुगढ़ मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हम सेट कर लेते हैं। इससे मैं कैसे डालूँ, कप्स का साइज देखें और इसका साइज देखें, जुल्म है ये कि नहीं? इसीलिए तो मैंने भी कहा, इसीलिए सेल्फ सर्विस। अल्लाह खैर कर, मत दिखाओ ना कैमरा, हटा दे मेरे से प्लीज। अगर ठीक तरह डाल ली तो दिखा दे। सेट हो गया आप लोग, रेडी है? गाना स्टार्ट कीजिए जी, चाय डालती हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। और एक दफा स्पेशल तालियां मेरे म्यूजिशियन भाई की। सबसे ज्यादा मुश्किल जो काम होता है ना एक पश्तो सिंगर के लिए, वो होता है एक पश्तो तबला ढूंढना, है ना? ऐसा ही है ना, तो क्या तबले वाले ना, मैं तो उसके एक्सप्रेशंस देख रहा था, वो हर बीट के साथ अलग एक्सप्रेशंस बोल बोल होते हैं भाई, वो एवी तो नहीं ना, हर सिंगर जो यहाँ आते हैं वो इनकी तारीफ करके जाते हैं। बिल्कुल, बल्कि इनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये ऑफिशियली मेरे साथ काफी कॉन्सर्ट्स में भी होते हैं। इसलिए कितने लोगों के साथ ऑफिशियली होते हो? जैमिंग है हम लोगों की काफी। मैं सही बता रही हूं, मेरे पास इतने सिंगर्स आते हैं माशाल्लाह, यू नो ऑल अकॉम्प्लिश्ड लाइक यू, और वो सब आके कहते हैं हमारे साथ ऑफिशियली भी होते हैं, तो कि तुम लोगों के कोई ट्विंस हैं? आपने सही कहा कि पश्तो के आर्टिस्ट के साथ बजाना बहुत मुश्किल ये हो जाता है, बिल्कुल एक डिफरेंट जॉनर है, तो उसमें फिर इस तरह से रिहर्स करना या इतना अच्छा बजाना, आई थिंक हैट्स ऑफ, और बहुत अच्छा इन्होंने प्ले किया, बिल्कुल जबरदस्त। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मोस्टली जो मेरे पास सिंगर्स आते हैं इंक्लूडिंग शान, इनके पास टाइम नहीं होता इतना कि वो प्रिपेयर करें या बार बार जो है उसको वो करके करें, तो ये ऑन स्पॉट हो रहा होता है सब, इसलिए कभी कभी मेरी तारे सारे भी हिल जाती है ना, फिर हम जरा चाय गिराते अपने ऊपर भी गिरा देते हैं, चाय बनाते भी हैं, कोशिश करते हैं। अभी जो हुआ ना यहाँ पे, बच गई हूँ ऐसे में, वो इतना बड़ा पतीला, कितनी दफा चाय गिराई है अपने ऊपर, कभी हुआ ऐसे? मैंने तो नहीं गिराई, आपने गिराई? मैंने तो नहीं गिराई, इसलिए मैं यहाँ पे जो है बैठी हुई हूँ ना, मैं नहीं बना रही होती चाय, वो पूरी की पूरी, वो इतना भारी उसका एक जो है वो हैंडल, तो सारा का सारा बचत हो गई मेरी। लेकिन वैसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कहते हैं ना कि किसी ना किसी चीज के पीछे एक उस्ताद होते हैं, एक डॉक्टर बना तो उसके पीछे कोई ना कोई होता है। जी बिल्कुल। आपको किसने चाय बनाना सिखाई, आपकी अम्मी ने, अबू ने, भाई ने, मतलब क्या? मुझे चाय सिखाई फैमिली में से तो किसने नहीं सिखाई है, मार्केट बहुत बड़ा है। नहीं तो देखा, एक ही सीख ली है बस देख के। जी बिल्कुल। मॉडलिंग के तो उस्ताद बहुत हैं लेकिन अभी मौजूद नहीं है यहाँ पे, और नहीं कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं वो पहले चलने की या जो कुछ भी, जिस तरह आप उनके साथ गए थे ना, जो जिन्होंने आपके साथ चाय वाला भी किया है? जी बिल्कुल। तो उनके साथ अपने मॉडलिंग एक दफा वो प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर फिर ये गाना भी हुआ था, तो किसी ने पहले रिहर्सल कराई थी? जी रिहर्सल होती है 5-10 मिनट की, उसके बाद बने बनाए स्टार हैं जी हमारे पास, 5-10 मिनट चाहिए होते हैं, ज्यादा ज्यादा जो है ना हमें वो मुश्किल नहीं होता। अच्छा मैंने सबसे पूछा उनकी फेवरेट चाय कौन सी, आपकी कौन सी है?
मेरी है इलायची वाली चाय। इलायची वाली चाय, ये इलायची फेवरेट है सबकी। मेरे पास एक बड़े मज़े की एक्टिविटी है, अब सब आप तैयार हो जाएं इसके लिए। इसमें होगा ये कि हमने कोई भी अपना फेवरेट गाना उसके अंदर जो है चाय का वर्ड जो है ना वो डाल के गाना है। मैं जीत जाऊंगा क्योंकि मैं सिंगर। इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हम लोग भी। नहीं चाय मतलब डालनी है ना, दैट्स चाय। चाय चाय हमारी चाय का, चाय आ जाएगी लेकिन गाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हमें भी चीटिंग कराएंगे है ना चान, अब आपने हमारी भी मदद करनी है, स्टार्ट आप करें। चलिए कोई भी गाना फेमस जिसमें मेन वर्ड जो है वो चाय से सब्स्टिट्यूट हो जाए। मैं भी सोच रही हूं मैंने क्या गाना है। ओके एक सॉन्ग कह देते हैं, फेमस सॉन्ग उसे होना चाहिए। ठीक है मैं नहीं वोट कर देती, मैंने बहुत कुछ देख लिया किचन में, मैं उसके बाद जो है ना इंसाफ नहीं करती। मैंने चाय बना ली, ये मैं आपको बताती हूँ और क्या करना है। ठीक है फाइनली आप लोगों ने एक से दस तक जो है वो नंबर देने हैं इनको। दस जो है वो सबसे बेहतरीन चाय और एक सबसे बुरी प्रेजेंटेशन। ठीक है इसके अंदर आपने देखना क्या कुछ है कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखें हमारे पास कितने किस्म के कप्स हैं। ठीक है हमारे पास वो सॉसर और कप है, पिर्ची और प्याला है। ठीक है हमारे पास ये वैसे गलत ग्रीन टी वाले कप आ गए, हमें चाहिए थी वो जो शीशी नहीं होती है छोटी वाली ग्लास वाली शीशियाँ, लेकिन हमें पता नहीं चाय लेकर भी आनी है साथ में। हाँ ठीक है हमारे पास एक मग है यहाँ पे और हमारे पास ये वाले प्याले भी हैं। तो आपने इसमें सबसे पहले तो चूज़ करना है कि आप चाय किस चीज़ में सर्व करना चाह रही हैं। ठीक है जी तो ये और आपने इधर से चूज़ करना है ताकि हमारे कैमरे को भी पता चल जाए। इधर आ जाए जी, हमने एक उठा ली सॉस पैन। ठीक है इसके अंदर हम मग रख रहे हैं, यहाँ से भी आप जो है टिश्यू या नैपकिन या कुछ उठा सकते हैं जो आप इसके साथ, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा फिर वो ट्रॉली है उधर आ जाइए। यहाँ पर हमारे पास कुछ लवाजमात हैं जो चाय के साथ सर्व किए जाते हैं। ठीक है ठीक है आपके पास ऑप्शन है इसमें से सिर्फ दो चीज़ें जो है ना वो आप चूज़ कर सकती हैं। बड़ी प्लेट्स किधर हैं? अच्छा नहीं इसी में से उठा के आप दो रखते हैं। ठीक है दो चीज़ें ये मुझे दीजिए, कहाँ रखनी है ट्रॉली पर मुझे बताएं, चाय कहाँ पर प्लेस होगी? यहाँ पर। आपका रिश्ता हो चुका है? हो चुका है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक जो है ना रोल प्ले करने वाला है। इसमें से दो चीजें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है किफायत शारी के साथ काम करेंगे। जस्ट क्या जस्ट टू? ठीक है पकोड़े नहीं वो आए कब है ना, दिन में आए शाम में आए ना, ये बताइए जी आप लोग कब तशरीफ लेकर आए? दिन में आए शाम में सुबह 10 बजे जो टाइम इस वक्त है सुबह 10 बजे। ठीक है जी बड़ी जल्दी आप लोग टाइम पे जगा दिए। अच्छा हमने सैंडविचेस प्लेस किए हैं, और क्या चाहिए? ये ट्रे बहुत बड़ी है, जगह है इस पे आगे। हाँ इसीलिए मैं पूछ रही हूँ रिश्ता हो चुका है कि नहीं। हाँ जी क्या कहाँ रखना है? एक नीचे रख लेते हैं। नहीं बताना नहीं है। ओके आपने नहीं बताना, वो चीटिंग। ठीक है जी और चल अब ये अपनी ट्रॉली लेकर जानी है और आपने अल्लाह जी सर भी करना है। ठीक है हाँ तो मैं यही उस वक्त से कह रही। चले जी ये देखिए चाय एक है, रिश्ते वाले तीन चार बैठे हुए ना, तो ये कोई बात नहीं हम अज्यूम करेंगे सबको चाय दी जाएगी। घर दामाद है वो नहीं पहुंचे अभी तक। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अंदर गई हैं, अब आप देख रही हैं कि यू नो सारे ये मुझे नंदी लग रही है। नंदी हमेशा इतनी तैयार होके आती है कि भाभी जो है नंबर ना ले लें मुझसे ज्यादा। ठीक है तो ये साथ में हमारे पास नंद है। ठीक है जी ये हमारे पास सासू माँ है। ठीक है जी और ये साथ में दूल्हा आपको बना दूं? नहीं लग आप दूल्हा रहे हैं, मैं क्या करूं है ना, दूल्हे आप लग रहे। ठीक है और आप जो है ना साथ में ठीक है जी चले इनको टिश्यू का भी ख्याल आ गया, मैंने उस वक्त बताया था। चले अब आप देखिए पहले तो आप चूज करें कि आप इन सब में से अगर आप बस एक ही प्याली चाय बनाई है आपने तो आप किसको सर्व करेंगे? ये कौन है? सासू माँ। मैं सबसे पहले सासू माँ के पास हूँ। आपने देखा फोन साथ में है, फोन नहीं छोड़ के आता कोई आजकल सर। चले पीछे कुछ बजा दो म्यूजिक, अच्छा सा एंट्री हो रही है हीरोइन की हमारी। बड़ी मुश्किल ड्यूटी लगाई है सास। चले चले ब्रेक के बाद हमने लड़के की भी प्रेजेंटेशन दिखानी। आए आए जय जय
ट्रॉली में पुरानी हो गई है मुझे लगता है घर में। हाँ। ये चीज चले बेटा मैं खुद ही ले दूंगी। शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है, शक्ल से बहुत अच्छी लग रही है पत्नी, और डेफिनेटली जो है आप भी चाय भी और आप भी शक्ल से बहुत अच्छी लग रही है। नहीं थोड़ी सी ब्रेक के टाइम में, ब्रेक में हम आपको चाय पिलाएंगे ताकि अगर कोई ऐसा रिएक्शन आना हो तो आपको नजर ना आए। नो ब्रेक के बाद वापस फिर ब्रेक आपको वापस आके रिजल्ट पीस का बताते हैं छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। क्या जी नंबर देना चाहेंगे आप, एक एक करके जो है मैं पूछूंगी। सबसे पहले दुल्हे मियां, आपको क्या लगा पसंद है दुल्हे मियां? दुल्हा मियां नर्वस है जी। दुल्हे मियां कितने नंबर देना चाहेंगे आप? ये आप अगर इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। इस पे क्या नंबर लिखेंगे, आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर? सेवन नंबर, सेवन नंबर दिए हैं जी दुल्हे में, तो पास हो गई है, क्या बात है, जबरदस्त। क्या आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी? आप क्या सैंडविच और केक तकरीबन 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 अच्छी लगी? ठीक है, हम आपको भी ये बताएंगे नहीं कि वो क्या चाहते होता है, क्योंकि फिर हमारे अगले पार्टिसिपेंट को पता चल जाएगा। जी महरीन बताइए क्या नंबर देना चाहेंगे? देखें दुल्हे मियां ना मुझे कान में कह रहे थे कि सही वाले नंबर देने। सही, ठीक है जी। नहीं, तो लेकिन मैंने चाय पी है और माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छी बनाई है, प्रेजेंटेशन वाइज भी और टेस्ट वाइज। बस किरण, जितने लोग जितने उम्मीदवार देख रहे हैं इसमें घर में बैठे उनकी बचत होगी, तो रिश्ते की ये ओ जी क्या बात है, क्या बात है, 10 नंबर, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब हम ऐसा करेंगे कि हम ट्रॉली को करेंगे जरा रिवैम्प, कोई मेरी यहाँ पर मदद करेगा, आप लोग प्लीज आपस में मदद कीजिए। मैं जरा गोलगप्पे देख कर आती हूँ, हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे हिना ने। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं? मैं तो खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? हम बना चुके हैं गोलगप्पे, हैं हमारे पास गोलगप्पे, तो हम लेकर चले वहाँ। हाँ, हम इसकी असेंबलिंग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम वहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो है ना, आपने भी इसमें शामिल होना है, जल्दी से ये गोलगप्पे जो है ना हमारे पास आ जाने चाहिए, ठीक है, ताकि फिर हम इसमें शामिल हो जाएं। बाकी दो जजेस हमारे क्या नंबर देंगे, शान बताएं आपको क्या? अच्छा, ये फर्स्ट उनका है ना? फर्स्ट उनका है, हाँ, क्या नंबर दिया आपने? तो मैं तो चाय चेक नहीं की बहरहाल, बट इनके जो प्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटेशन को ओवरऑल मैं मार्क्स लिख दूं? हाँ हाँ लिखें, और फिर मैं दिखाऊंगी। शाबाश, इतना बड़ा पेपर मैंने दिया है, ये इतने बड़े पेपर में आपने देखना है कि कितने नंबर मिले हैं इन्हें। 7 out of 10, ठीक है जी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, इतने में रिश्ता हो जाता है, रिश्ता हो जाता है, कोई बात नहीं जी। आपने क्या नंबर दिया? ये नंद के नंबर बड़े जरूरी होते हैं, ठीक है, वरना वरना नहीं माना जाता। जल्दी से क्या नंबर है? जल्दी से नंबर, इतना मैंने इतनी ब्रेक में टाइम दिया, चाय भी जाके पी जा सकती थी। यही होता है बेटा, मैं बता रही हूँ आपको, इतना ही मुश्किल होता है। मैं पहले इंट्रोड्यूस कर रहा था, मेरे साथ आयशा और हेरा भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बैठे बैठे आपको भी मैं जो हूँ ना अभी पेपर देती हूँ, आपने भी अगले में नंबर देने। मैं आपको बता दूँ कि आयशा और हेरा जो है दे आर ब्लॉगर्स भी हैं, ये लोग बहुत अच्छा ब्लॉगर भी हो, वह वाले भी हो, ठीक है, तो ब्लॉगर्स भी हैं ये लोग, और साथ में फोटोग्राफी भी करते हैं, और आज स्पेशली ये यहाँ पर आई हैं क्योंकि अर्शद की एक पिक्चर जो है वो बहुत फेमस हुई थी, जो यहाँ पर लगी हुई भी है, तो हम चाहते हैं कि अब हम अर्शद को एक नई पिक्चर दें जिससे वो जाने माने जाएँ, ताकि वो भी वायरल हो जाए। तो आज आपको अर्शद की एक और हसीन तस्वीर जो है ना मिलने वाली है, जो चाय के बगैर होगी, ठीक है, ताकि हम एक नई आइडेंटिटी जो है वो अर्शद के लिए सेट करें। क्या कहते हैं आप? ठीक है, आप राज़ी हैं? हम अगर काजी राजी है, काजी राजी, हम भी राजी, क्या बात है जी। नंबर मिले? अच्छा, इनको किस तरफ से पढ़ना है? 8 नंबर जो है वो आपकी नन्द ने आपको दिए, तो आप बहुत फ्लरिशिंग मार्क्स के साथ पास हो गई हैं, क्या बात है। रेडी हैं आप? डन। ये आपको मैंने इजाजत दी थी सिर्फ दो चीजें रखने की, ये देखें ना जरा, सिर्फ दो चीजें, ठीक, मैं देखो चीटिंग नहीं होने दूंगी। ये तीन है अभी भी, वो उठा लें, उठा लूं? हाँ, कोई बात नहीं, चलें जी।
ये तो अभी आपको बताएंगे। चले जी इस साइड से आ जाइए ताकि आपको भी आपका खूबसूरत चेहरा भी नजर आए। जी तो ये चाय आप मुझे दे दें प्लीज। सुंदर मेरा पेपर आपके पास है। ठीक है मैं आपको मजे हैं सब कुछ सर्व किया जा रहा है। इतनी हमारी छोटी सी सासू माँ इतनी खूबसूरत सी उनको हमने सासू माँ बना दिए हैं जी। माइंड नहीं करना आपसे मौके की जरूरत थी। अच्छा सुंदर ये बताएंगे दो की जगह ज्यादा चीजें हैं तो मार्क्स कटने चाहिए या इसको प्लस पॉइंट करना। नहीं क्रिएटिविटी है अकल इस्तेमाल इनकी क्रिएटिविटी है क्योंकि देखें उन्होंने प्रेजेंटेशन में दो ही रखी बट ये चीजें सॉसर में रख दी। ठीक है चाय भी उन्होंने मलाई मार के बनाई और चेक कर लें जरा। गुड सही है ठीक है जी। अच्छा अब इधर जो है ना हमने ये नंद जो है ये कन्वर्ट हो गई है अब दुल्हन में। ठीक है जो लग भी रही है और साथ में आप जो है ना अब आप दुल्हन के भाई हैं। ठीक है तो अब तो आपने बहुत ही कम नंबर देने हैं मुझे लगता है। चले क्या देना चाहेंगे नंबर इनको प्रेजेंटेशन चाय चेक तो की नहीं है चाय 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 वो डर रहे हैं आपकी चाय से मैं क्या करूं। हाँ चेक की आपने की है बिल्कुल वाह जबरदस्त। चले जी फिर नंबर दीजिए। ओके दुल्हन ने भी नंबर देने हैं जी। ये चाय के साथ सर्व नहीं होगा ये भी मेरे पास एक कंपटीशन है ना। प्लीज आज आप मेरी सीट पे बैठिए। अरे अरे नहीं बैठे नहीं 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 प्लीज बैठे प्लीज बैठे जी नंबर दीजिए शाबाश। ओह 9.5 क्या बात है जी। इधर भी नंबर आएंगे अभी ये तो बहुत कंजूसी के साथ नंबर आ रहे हैं। 10 ये क्या हो रहा है ये क्या 7 क्यों आपने क्या नंबर दिए ये मुझे लगता है मुझे समझ आ गई है क्या हो रहा है यहाँ पे भी 10 नंबर है जी फुल के फुल। दुल्हन ने क्या नंबर दिए 8 वो नंद के रोल में भी उसने 8 दिए वैसे भी उसने कहा ज्यादा ईगर नहीं होना चाहिए तो हमारे आज के विनर हैं। क्या बात है आपकी बजा दो इनके लिए भाई हमारे लड़के आज सर्व करते हुए जीत गए जिसका मतलब ये है कि घरों में ये ट्रेंड हमें चेंज कर देना चाहिए क्योंकि लड़के ज्यादा अच्छी सर्व करते हैं है ना। ठीक है इसको तो लड़के जाए टी 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 छोटी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं फौरन। एक दी मॉर्निंग हमारे विनर हमारे साथ मौजूद हैं और क्योंकि आप जो है रिश्ता कबूल कर चुके हैं तो आपने मिठाई की जगह हमने थोड़ी इनोवेशन की है इनको गोलगप्पा खिलाना है। ठीक है तो ऐसे कितने नंबर दिए थे ना 10/10 तो अब खुशी में ये जो है ना मिठाई भी आप ही ने खिलानी है शाबाश है। जरा आगे आ जाइए आई 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 जल्दी 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 हमारा टाइम जो है ना मिठाई उन्होंने ये सबसे ज्यादा अच्छी मिठाई है और ये जितना आप वो लिक्विड बीच में ये इसके बगैर हमने नहीं रिश्ता देना भाई हम नहीं दे रहे भाई मेरी क्या गलती है मैं तो चाय चलो खुद खा ले। एक सेंटेंस आपको याद होगा कि बेइज्जती और चाय कभी कभी भी हो सकती है। चले जी ये चले बस क्या बात मुबारक हो अर्शद आप मेरे साथ आइए हमारे साथ जो इतने अच्छे फोटोग्राफर्स आज मौजूद हैं आयशा इनहेरा किधर किधर आइए आज है और हम आपको न्यू एरा न्यू अर्शद न्यू पिक्चर जो है वो आज आपको खींच के हम वायरल करेंगे। प्लीज आप लोगों ने इन्हें गाइड करना है द वंडरफुल फोटोग्राफर्स वी हैव क्या चाहेंगी आप किधर पोज कराना है क्या करना है इधर आ जा इस तरफ आ जा। ठीक है जी ठीक है आप लोग बैकग्राउंड भी ले लेते हैं उससे भी ले लेते हैं यहाँ आ जाए मिड में आ जाए आप इधर आ जाए और ये पिक्चर लेके आपने दिखानी भी है। ठीक है जिसमें अर्शद ने वायरल कैसे ना ठीक है चलें हाथ थोड़ा सा इधर रखें और कैमरा की तरफ देखें एक पिक्चर हम आपको साथ ही दिखाएंगे लेकिन तब तक जब तक फोटोग्राफी हो रही है थैंक यू सो मच माय वंडरफुल वंडरफुल गेस्ट्स फॉर बीइंग हियर थैंक यू सो मच थैंक यू मैम म्यूजिशियंस थैंक यू हिना किधर गई थैंक यू हिना थैंक यू मेहरीन स्पेशली यू मुझे
यू नो मैं बहुत बहुत नहीं सास बनने के लिए क्या हमारे इस तरह के गेस्ट हैं जो पार्ट ऑफ आर फैमिली बन चुके हैं अब चाहे वो न्यूट्रिशन हो मशवरे हो या वैसे हम लोग हल्ला गुल्ला यू ऑलवेज टेक पार्ट इतने दिल से और मुझे बहुत अच्छा लगता है थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर जो हमारे पास पहली दफा आपको हम बुलाते रहेंगे यहाँ पे पिक्चर देखिए जी हमने आज एक नई बनाई है और इसमें भी इनकी आंखों पर जरा ज्यादा फोकस कीजिए वायरल जो है ना वो आंखें होती हैं क्या बात है जी ये देखें दिस इज अ न्यू पिक्चर एंड इसको भी हम जल्दी से अपलोड करेंगे कॉपीराइट्स हमारे पास हैं इसके ठीक है सुंदर खान स्पेसिफिकली मेरे से बात कीजिएगा थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर थैंक यू माय वंडरफुल गर्ल थैंक यू अर्शद मेरी बहुत सी दुआएं हैं आपके साथ अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह ताला हम सबको अपने जुमान में रखे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और आज का शो हम रैप करेंगे खूबसूरत आवाज़ों से यार इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग जो कि चाय के ऊपर ही बना है